गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 11 चल रहा है। 9 और 10 ड्रॉप हो चुका था, छुड़वा दिया मैंने आपको। चैप्टर 11 है हमारा टॉम व्हाइट वॉशेज द फैंस। टॉम किस तरह फैंस को, बाड़े को व्हाइट वॉश करता है, पेंट करता है उसमें। इसका हमारा पार्ट थर्ड चल रहा है, पार्ट सेकेंड में मैंने आपको उसको हाफ रीड करवा दिया था। पार्ट सेकेंड में हमने इसको हाफ रीड किया था कि टॉम अपनी आंट पॉली के साथ रहता है। वो एक जो टॉम है वो ट्रबल सम बॉय है। सब एक ब्राइट सनी मॉर्निंग में सब लोग रेडी होते हैं अपने फ्रेंड के साथ प्ले करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन बट आंट पॉली उसको एक फैंस को व्हाइट वॉश करने के लिए कहती है कि आज तुम्हें इस जो डे है तुम्हारा, आज तुम प्लेइंग नहीं करोगे, खेलोगे नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ, आज तुम्हें पूरा दिन क्या करना है, फैंस को व्हाइट वॉश करना है। टॉम एक ट्रबलसम बॉय था, एक भी बच्चा था, वो किस तरह अकेला, वो अकेला रह नहीं सकता, उसको भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। तो वो किस तरह अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता है, उनको किस तरह पागल बनाता है, सारा जो फैंस है उनसे एक कोट करने की बजाय उनसे 3 कोट उस फैंस में वो करवाता है। वो किस तरह करवाता है आज हम ये रीड करेंगे। हाफ चैप्टर में मैंने आपको रीड करवाया था कि फैंस ये जो टॉम है वो फैंस को किस तरह व्हाइट वॉश करता है। आंट पॉली जब उसको इंट्रैक्शन देकर जाती है कि तुम्हें आज इस फैंस को व्हाइट वॉश करना है, तो वो उदास हो जाता है, उसको अपने आप में बहुत ज़्यादा सॉरी फील होता है। और वो अपने फ्रेंड जिम को भी कहता है कि मैं ऐसा करूँ। उसका एक फ्रेंड होता है जो वाटर पम्प पर पानी लेकर जाता है, तो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, तुम मेरा काम कर दो। लेकिन उसको आंट पॉली से डर लगता है उसके फ्रेंड को, जिम को, तो वो उसको वर्क करने के लिए मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, आंट पॉली मुझे मारेगी। अब आगे क्या होता है कि हम नहीं करेंगे, तो जिम तो उसको मना कर देता है क्योंकि उसको आंट पॉली का डर लगता है, तो वो उसको मना कर देता है। अब आगे किस तरह वो अपने और जो अदर फ्रेंड्स हैं उनको कैसे वो एग्री करता है फैंस को व्हाइट वॉश करने के लिए, किस तरह अपना आइडिया यूज में लेता है, ये हम आज रीड करेंगे। चैप्टर हाफ रीड हो चुका है, हाफ में आज आपको रीड करवाऊंगी और इसका जो टिक द राइट आंसर है वो मैं आपको करवाऊंगी। देखो उसको कितनी सारी चीज़ें भी मिली है, कितने सारे गिफ्ट उसको उसके फ्रेंड्स ने दिए फैंस को पेंट करने के बदले में। तो ये हम आज रीड करेंगे। ये रहा टॉम किस तरह एक बैरल पे बैठा हुआ है ड्रम पे, और कैसे उसके फ्रेंड्स उसको पेंट कर रहे हैं फैंस को, और कितनी सारी उसको चीज़ें दी है। तो हम लोग इसको रीड कर रहे हैं, तो ओपन योर बुक, यहाँ से स्टार्ट करना है आज हमें। He said Jim, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ओपन योर बुक, सबने बुक ओपन कर ली, मैं स्टार्ट करवा रही हूँ चैप्टर आपको। क्वेश्चन ए जो मैं आपको करवाऊंगी इस बुक में टिक करवा दूंगी, वो आपको नोटबुक में राइट करना है। जब फिर नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो ओपन योर बुक, वी स्टार्ट अवर चैप्टर। सबने बुक ओपन कर ली, मैं रीड करवा रही हूँ। हाफ जो हो गया तो उसके आगे है, देखो। ही सैड, वे कहता है, जिम को कहता है, टॉम जो होता है वो जिम को कहता है। जब जिम वाटर पम्प पे पानी लेने जाता है तो टॉम उसको देखता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, तुम यहाँ मेरा जो वर्क है तुम कर दो और तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। लेकिन जिम उसको मना कर देता है। टॉम उससे प्रार्थना भी करता है लेकिन, और उसको एक मार्बल देने के भी प्रॉमिस करता है, बट जो जिम है उसको मना कर देता है। अब टॉम उसको कहता है, ही सेड जिम, वह कहता है, जिम आंट पॉली वुड नॉट डू एनीथिंग, जो आंट पॉली है वो कुछ भी नहीं करेगी। कम आई विल शो यू माई टो सोर टो, आओ मैं तुम्हें मेरा जो घाव भरा जो पैर का अंगूठा है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो इसमें कितना दर्द हो रहा है। जिम सेड, जिम कहता है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ आंट पॉली हिटिंग हिम,
वो कहता है, जिम कहता है कि नहीं मुझे आंट पॉली से डर लगता है क्योंकि वो मुझे मारेगी, अगर मैंने तुम्हारा काम किया तो आंट पॉली मुझे मारेगी। बट ही डिड वॉन्ट टू गेट ए मार्बल और सी टॉम श्योर टॉम। लेकिन उसको आंट पॉली से डर भी लगता है कि अगर वो उसका वर्क करेगा टॉम का तो आंट पॉली उसको मारेगी, लेकिन वो उसको मार्बल भी चाहिए क्योंकि जिम ने उसको क्या कहा, टॉम ने उसको क्या कहा कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें एक मार्बल दूंगा। मार्बल मीन्स होता है कंचे, नहीं होते उसको कहते हैं मार्बल, तो मैं तुम्हें एक कंचा मार्बल भी दूंगा। और उसको जिम को उस मार्बल को लेने की भी इच्छा थी। और जो टॉम कह रहा था देखो मेरे पैर में बहुत घाव हो रहा है, दर्द भरा, तो उसको देखने की भी इच्छा थी। ही पुट डाउन द बकेट, वो बकेट को नीचे रखता है बाल्टी को, एंड बिगेन टू लुक एट द टॉम एंड बिगेन टू लुक एट टॉम टेकिंग द बैंडेज ऑफ हिज टो। और वो देखना शुरू करता है जब टॉम अपनी बैंडेज उस टो से हटाता है, टो मीन्स होता है पैर के अंगूठे से अपनी बैंडेज जब हटाता है तो उसको देखना भी देखना शुरू करता है। अलोंग केम आंट पॉली एंड जिम रन ऑफ, जब आंट पॉली को आता हुआ देखता है तो जिम रन ऑफ हो जाता है, दौड़ जाता है। एज टॉम पिक्ड अप द ब्रश एंड बिगेन पेंट, और जो टॉम होता है ब्रश लेके जो पेंट है वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है। जब आंट पॉली को आता हुआ देखता है जिम तो वहाँ से भाग जाता है, और जो टॉम होता है वो अपना ब्रश लेता है और पेंट करना स्टार्ट कर देता है। टॉम सोचता है अबाउट हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम के बारे में फॉर ए वाइल कुछ देर के लिए, एंड सडनली अचानक ही हैड ए गुड आइडिया, उसके पास एक आइडिया आता है। ही बिगेन टू पेंट द फेंस पीसफुली, वो शांति से फेंस को पेंट करना शुरू कर देता है। बिगेन मतलब शुरू करना, पीसफुली विदाउट एनी प्रॉब्लम मतलब किसी भी परेशानी के वो अपना काम करना शुरू कर देता है। अलोंग केम बेन ईटिंग एन एप्पल, बेन एक एप्पल खाता हुआ आता है, एंड मेकिंग द साउंड ऑफ ए स्टीम बोट, और स्टीम बोट का साउंड बनाता रहता है। वो डिंग डोंग डिंग डोंग टिंग ए लिंग लिंग, और वो इस तरह का साउंड बनाता रहता है। मतलब ए बैन जिसका फ्रेंड होता है वो एप्पल खाता हुआ स्टीम बोट का साउंड बनाता हुआ आता रहता है, वो डिंग डोंग टिंग ए लिंग लिंग। टॉम पेड नो अटेंशन टू द स्टीम बोट, लेकिन टॉम स्टीम बोट की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। ही कैप पेंटिंग द फैंस एज थो एज ही लव द वर्क ही वॉज डूइंग, वो सिर्फ पेंट करता रहता है फैंस को। जब स्टीम बोट का साउंड आता है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, अभी कोई आवाज़ आती है तो हम लोग उसकी तरफ देखते हैं, बट जो टॉम था वो स्टीम बोट की तरफ कोई भी साउंड नहीं करता है, वो सिर्फ अपने पेंट में लगा रहता है। और वो ऐसा शो करता है कि उसको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्रेम है, मतलब उसको ये जो वर्क कर रहा है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हेलो टॉम आई सी यू आर वर्किंग, हेलो टॉम मैंने देखा तुम काम कर रहे हो, सैड बैन बैन कहता है। आई एम गोइंग स्विमिंग, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। बैन उसको कहता है कि टॉम मैंने देखा तुम काम कर रहे हो, मैं तो स्विमिंग करने जा रहा हूँ। ओ सैड टॉम, टॉम ने कहा आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। आई एम नॉट वर्किंग, अरे मैं काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। आई एम वाइट वॉशिंग द फैंस, मैं फैंस को वाइट वॉश कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वाइट वॉश कर रहा हूँ। टॉम मेड डैट मेड बैन थिंक ए बिट, जब टॉम ऐसा कहता है तो जो बैन है वो कुछ देर के लिए सोचता है। एज ही लुक एट टॉम, वो जैसे ही टॉम को देखता है ही गॉट मोर इंटरेस्टेड इन वॉट टॉम वॉज डूइंग, जब वो टॉम को देखता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगता है कि अरे यार टॉम कह रहा है मैं तो काम नहीं कर रहा, तो वाइट वॉश कर रहा है, तो उसके काम में उसको रुचि आने लगती है, इंटरेस्ट आने लगता है जो काम। ही गॉट मोर इंटरेस्ट इन वॉट टॉम वॉज डूइंग, जो वर्क टॉम कर रहा था उसमें बैन को इंटरेस्ट आने लगता है ज़्यादा। टॉम वुड यू लेट मी पेंट फॉर ए वाइल, सैड बैन, बैन कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़ी देर पेंट करने दोगे। बैन बोलता है टॉम क्या तुम मुझे थोड़ा पेंट कर दे दोगे। व्हाट क्या, सैड टॉम, टॉम ने कहा आंट पॉली वुड नॉट लाइक डैट, आंट पॉली को ये पसंद नहीं आएगा। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फैंस, वो अपने फैंस के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। नाउ इफ इट वॉज द बैक फैंस इट वुड बी डिफरेंट, अब यदि तुमने इसको किया तो ये मतलब इसका आधा जो पार्ट है मतलब
अंदर से अलग बाहर से अलग मतलब डिफरेंट हो जाएगा. नॉट एवरी वन कैन पेंट दिस फेंस प्रॉपरली, हर कोई व्यक्ति इसको अच्छे से पेंट नहीं कर सकता है. कम ऑन टॉम, सेड बेन. बेन ने कहा कम ऑन मुझे करने दो, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, प्लीज़ आई विल गिव यू द मिडल ऑफ द माई एप्पल, मैं तुम्हें अपनी जो आधी एप्पल है जो मिडल है एप्पल का वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मतलब मेरी एप्पल है वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा. इन फैक्ट आई विल गिव यू द होल एप्पल, तुम कहोगे तो मैं तुम्हें मेरी पूरी एप्पल दे दूंगा. आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा. आई प्रोमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूँ. जब टॉम उसको वर्क कर रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था फैंस को पेंट करने में, टॉम को देखते हुए, तो वो कहता है मैं तुम्हें अपनी एप्पल भी दे दूँगा और तुम कहो तो मैं आधी क्या, मैं तुम्हें पूरी एप्पल दे दूँगा लेकिन तुम मुझे एक बार पेंट करने दो, इसको मैं ख़राब नहीं करूँगा, प्रॉमिस करता हूँ. वेल ओके सेड टॉम. टॉम ने कहा अच्छा. स्लोली गिविंग द ब्रश टू बेन, वो धीरे से जो ब्रश होता है वो बेन को देता है. एंड टेकिंग द एप्पल फ्रॉम हिम, और उससे एप्पल ले लेता है. देखो इस पिक्चर में शो कर रहा है ना, ये बेन तो पेंट कर रहा है और ये एप्पल ले लिया से. टॉम सेट ऑन एम्प्टी बैरल, ये टॉम जो है वो एम्प्टी बैरल मतलब खाली ड्रम पे बैठ जाता है. एंड मंच ऑन एप्पल, और एप्पल चबाने लगता है. एंड बेन वाइट वॉश द फेंस, और बेन क्या करता है वाइट वॉश करता है. ये काम आंट पॉली ने इसको दिया था, बट ये किससे करवा रहे हैं, अपने फ्रेंड से करवा रहे हैं. अदर्स बॉयज केम अलॉन्ग वन आफ्टर द अदर, इसके दूसरे बॉय एक के बाद एक आते रहते हैं, मतलब बैन को फैंस को पेंट करता हुआ देखते हैं तो वो दूसरा बॉय मतलब ऐसे अलग अलग लड़के उसके पास आने लगते हैं. ईच वन वॉन्टेड टू पेंट द फैंस, ईच वन प्रत्येक जो था हर एक फैंस को पेंट करना चाहता था. इट सीम्ड, ऐसा सीम्ड मतलब होता है जानना, इट सीम ऐसा जान पड़ता था टू बी सो मच फन, कि इस काम में बहुत फन है, बहुत अधिक फन है, मौज मस्ती है. ईच वन गेव टॉम समथिंग, हर एक टॉम को कुछ ना कुछ देते हैं. एंड टॉम अलाउ द बॉय टू डू द वर्क, और टॉम उन बच्चों को इस वर्क को करने के लिए अलाउ करता है. आंट पॉली हैड गिवन हिम, जो काम आंट पॉली ने टॉम को करने को दिया था वो वर्क टॉम हर एक बच्चे से करवाता है. उसके बदले में कुछ चीज़ भी लेता है और उस काम को वो अलग अलग लड़कों से अलग अलग बच्चों से करवाता है. बिली फिशर गेव हिम ए काइट, बिली फिशर जो होता है वो टॉम को एक काइट देता है. जॉनी मिलर गेव हिम ए डेड रैट ऑन ए स्ट्रिंग, जॉनी मिलर जो होता है वो टॉम को एक मरा हुआ रैट देता है जो स्ट्रिंग से बंधा रहता है डोरी से. He also got a piece of chalk, वो एक piece of chalk भी उसको देता है, पाता है वो टॉम. He also got a piece of chalk, उसको एक chalk का piece भी मिलता है. A tin soldier, एक लकड़ी का मतलब एक tin का बना हुआ soldier मिलता है. 6 firecrackers, उसको 6 firecrackers मतलब फटाके मिलते हैं. एक kitten with just one eyes, एक kitten मिलती है जिसके सिर्फ एक eyes होती है. ए ब्रास डोर नॉब, एक ब्रास का उसको डोर नॉब मिलता है. ए डॉग कॉलर मिलती है, बट नो डॉग, सिर्फ डॉग कॉलर ही मिलती है, डॉग नहीं मिलता है. द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक हैंडल मिलता है नाइफ का. एंड सम अदर थिंग्स एज वेल एज, और ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उसको मिलती हैं. ही फेल्ट क्वाइट रिच, वो पूरी तरह से अपने आप को रिच महसूस करता है. मच रिचर देन ही हैड बीन डैट मॉर्निंग, वो सुबह से अभी तक में आपको बहुत ज़्यादा रिच महसूस करता है. कहाँ तो उसको अकेले काम करना था, कहाँ उसने अपने काम को ये नहीं शो किया कि वो काम करा, उसने अपने वर्क में इंटरेस्ट शो किया कि काम नहीं, ये तो वो इंटरेस्ट से ये वाइट वॉश कर रहा है फैंस को, तो लोग बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और उस काम में उस काम को करते हैं और उसको बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं. He had a lazy day. ये उसके लिए एक lazy day था. As well and plenty of company, और उसको बहुत सारी company मिली. कहाँ तो उसको एक भी company नहीं मिल रही थी, कहाँ उसको बहुत सारी company मिलती है, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं. आज के लिए आलसी वाला दिन था, कुछ भी काम नहीं किया उसने, सिर्फ बहुत सारे गिफ्ट लिए, बच्चों से काम करवाया, तो ये इसके लिए एक lazy day था उसको, लेकिन company बहुत सारी मिल जाती है. Best of all, और सबसे अच्छा, द फैंस हैड 3 coats और ऑफ पेंट ऑन इट, जहाँ फैंस पे 1 coat करना था वहाँ पे 3 coats हो चुके थे, तो ये बहुत अच्छी बात थी. सबसे अच्छा क्या था इन सब में, कि फैंस में जहाँ 1 coat करना था वहाँ कितने coat हो गए थे, 3 coats हो गए थे. देखो इसको, देखो कैट
काइट, डॉग कॉलर, ये सब उसको मिलता है। देखो बहुत सारी चीज़ें उसको मिलती है, और बच्चे फैंस को वो पेंट करते हैं और ये आराम से बैठा रहता है, एप्पल खाता रहता है। तो इसने अपने वर्क को वर्क नहीं समझा, उसको इस तरह शो किया कि वो एक सिर्फ वाइट वॉश ही कर रहा है, काम नहीं कर रहा है वो, और इसमें इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, कैसे उसने बच्चों में इंटरेस्ट जगाया और अपना काम उनसे करवाया। तो ये चैप्टर हो चुका है, ये चैप्टर हमने रीड कर लिया। मैं आपको इसकी टिक द राइट करवा रही हूँ। टिक द राइट आपको नोटबुक में राइट करने हैं। टिक द बेस्ट आंसर, द चिल्ड्रन वर हैप्पी बिकॉज, जो चिल्ड्रन थे वो हैप्पी थे क्योंकि इट वॉज अ सैटरडे, दे डिडंट हैव गो टू स्कूल, दे वर गेटिंग रेडी टू हैव ए डे ऑफ फन विद देयर फ्रेंड्स। क्या होगा इसका आंसर? इट वॉज सैटरडे, सैटरडे था, दे डिड नॉट हैव गो टू स्कूल, उनको स्कूल नहीं जाना था, दे वर गेटिंग रेडी, तैयार हो रहे थे टू हैव ए डे ऑफ फन, उस दिन फन करने के लिए, विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वो उस दिन मस्ती करने के लिए रेडी हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, टॉम वॉज अनहैप्पी, टॉम अनहैप्पी था बिकॉज, क्योंकि हिज आंट पॉली हैड टोल्ड हिम टू स्पेंड द डे वाइट वॉशिंग द फेंस, ही कुड नॉट प्ले विथ हिज फ्रेंड, ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। क्या होगा इसका? टॉम जो था वो हैप्पी नहीं था क्योंकि हिज आंट, इसका होगा ए, हिज आंट पॉली हैड टोल्ड हिम टू स्पेंड द डे वाइट वॉशिंग द फेंस। नंबर थर्ड है, टॉम ऑफर टू फेच द वाटर फ्रॉम द पंप, टॉम ने ऑफर किया पानी को, पानी लाने के लिए पंप से, बिकॉज क्योंकि ही लाइक डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क, उसको ये वर्क पसंद था। देयर वुड बी पीपल नियर द पंप, पंप के पास वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, एंड ही टॉक टू देम, और वो उनसे बात कर सकेगा। ही डिडंट वॉन्ट टू वाइट वॉश द फेंस, उसको वाइट वॉश नहीं करना था फेंस को। तो क्या होगा इसका? होगा बी, देयर वुड बी पीपल नियर द पंप एंड ही कुड टॉक टू देम, उसने सोचा कि पंप पे बहुत सारे लोग होंगे और वो उससे टॉक कर सकेगा। जिम रिफ्यूज, जिम ने इनकार कर दिया टू हेल्प टॉम, टॉम को हेल्प करने के लिए, बिकॉज क्योंकि ही डिडंट वॉन्ट टू हेल्प हिम, वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था। ही हैड टू फेच वाटर फ्रॉम द पंप, उसको पंप से पानी लाना था। ही वॉज अफ्रेड डेट आंट पॉली वुड हिट हिम, उसको डर था कि आंट पॉली उसको हिट करेगी। तो बताओ क्या होगा? सी, ही वॉज अफ्रेड डेट आंट पॉली वुड हिट हिम, उसको डर था कि आंट पॉली उसको हिट करेगी। तो ये जो वर्क है वो आपको नोटबुक में राइट करना है, ये वर्क आपको नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। चैप्टर हमारा रीड हो चुका है, ये जो वर्क है टिक द राइट आंसर आपको नोटबुक में राइट करना है, जो राइट आंसर है उसको ही आपको टिक करना है। फर्स्ट में आएगा सी, द चिल्ड्रन वर हैप्पी बिकॉज दे वर गेटिंग रेडी टू हैव ए डे ऑफ फन विद देयर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टॉम वॉज अनहैप्पी बिकॉज हिज आंट पॉली हैड टोल्ड हिम टू स्पेंड द डे वाइट वॉशिंग द फेंस। टॉम ऑफर टू फेच द वाटर फ्रॉम द पंप बिकॉज देयर वुड बी पीपल नियर द पंप एंड ही कुड टॉक टू देम। जिम रिफ्यूज टू हेल्प टॉम बिकॉज ही वॉज अफ्रेड डेट आंट पॉली वुड हिट हिम। तो ये जो राइट आंसर है वही नोटबुक में लिखना है, और जो ये वर्क है उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास जब होगी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।